सबसे पहले तो पूरे भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से और प्रदेश जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप आए, आज हम जो पिछले दिन ही राहुल जी की सदस्यता और उनको सजा सुनाई गई उसको लेकर हमारे AICC भारतीय कांग्रेस और हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के लीडरशिप के निर्देश पर हम पोस्ट कार्ड लॉन्च मुहिम लॉन्च कर रहे हैं, जो पिछले 3 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष पूरे इंडिया में ये हो रहा है। आज हम जम्मू में करने जा रहे हैं। हम हर प्रदेश में एक पोस्ट कार्ड बनवाएंगे और मोदी जी से सवाल करेंगे, उनमें 3 सवाल पूछे गए हैं। वो पोस्ट कार्ड हम हर मोहल्ले में लोगों की सलाह से, लोगों की सहमति से वो हम पोस्ट कार्ड भरवाने जा रहे हैं। उनमें हम 3 सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं कि अडानी ने, जो राहुल जी ने अडानी अंबानी पर मुद्दा उठाया था संसद में, जिसके कारण उनको बीजेपी की मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता भंग की और उस कोर्ट से सजा सुनवाई गई, कि अडानी ने अब तक आपको कितने करोड़ का फंड दिया, ये हम पोस्ट कार्ड में सवाल उनसे पूछेंगे। और दूसरा, अभी तक आपके जो अधिकार बाहर के विदेशी दौरे रहे हैं उसके बाद अडानी जी को कितना और कितना लाभ हुआ, उसमें उनकी क्या आपको सहयोगता रही। उसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है जो वो हमारा ये है कि कृपया आप हमें बताएं, प्रधानमंत्री जी आप हमें बताएं कि जो आपके मित्र अडानी जी की कंपनी जो पहले 609वें स्थान पर थी, वो पिछले 8 वर्षों के बाद वो दूसरे स्थान पर कैसे आए। ये हम एक पोस्ट कार्ड हमने जो अभी हमने उदय जी और सभी ने लॉन्च किया है, अभी आपको दिखाया है, इसको हम भरवा रहे हैं और हर स्कूल कॉलेज आम जन और पब्लिक तक लेके जाएंगे और उन्हें सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है और हम पूछते रहेंगे। इसके बाद हम इसको मोदी जी तक, हमारे जो भारतीय युवा कांग्रेस, हमारी लीडरशिप और AICC कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 सवाल पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने सरकार से पूछे थे, प्रधानमंत्री जी से पूछे थे कि कितना पैसा अभी तक बीजेपी सरकार को अडानी कंपनी ने दिया है। जितनी बार मोदी जी गए हैं फॉरेन कंट्री और उसके बाद उस कंट्री में अडानी साहब को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और तीसरी बात, ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है बीजेपी सरकार के पास कि जो बंदा 609 का सबसे अमीर आदमी था रैंक में, वो 8 साल में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। ऐसा गुरु मंत्र, ऐसी जो विद्या, ऐसी जो टेक्नोलॉजी और जो विजन बीजेपी सरकार का है, वो सिर्फ एक ही भारतीय के लिए क्यों है? एक ही भारतीय के लिए इतनी दृष्टि इस बीजेपी सरकार पे है कि वो 609 से दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन जाए, तो जो लाखों करोड़ों भारत के युवा जो बैठे हुए हैं बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी नीति ला दीजिए जितनी समझ आपकी अडानी के लिए नीतियां बनाने में है, उससे 10% भी अगर ये जो बेरोजगार युवा जम्मू कश्मीर के पूरे देश के हैं उनके लिए लगाते तो कम से कम और कुछ नहीं, उनको रोजगार तो मिल जाता। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी नहीं बनते, लेकिन अपने घर में घर वालों का ध्यान रखने लायक तो बनते। ये सवाल राहुल जी की तरफ से आज हम यहां पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनसे सवाल पूछा नहीं गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, कारण यही था अडानी से उनका क्या रिश्ता, और ये 3 सवाल से बचना चाहते थे कि राहुल जी उस पे सवाल ना पूछे, डर जाए, घर बैठ जाए। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने ये साफ साफ बोल दिया कि नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन देश के लोगों के लिए सच बोलना मेरा हक है और मैं बोलता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद।